أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. हमारी गुफ्तगु मसाइले फिक में मिनहाजुस सालिहीन के मसले नंबर 38 हमने मुकम्मल कर लिया। मसला नंबर 39 ये आगे सीस्तानी और आगे खुई के दरमियान में इख्तलाफ है और इख्तलाफ ये है। पहले मैं असले मसले को बयान कर दूं आपकी खिदमत में कि जारी पानी कि जिसको बयान किया जारी पानी यानि जो ज़मीन से उबले और ज़मीन पर बहे जारी हो इसको जारी पानी कहते हैं। और अगर ये अपने सोर्स से कनेक्टेड है तो अगर इसमें नजासत गिर जाए तो जब तक रंग बू और जायका तब्दील ना हो ये पानी नजिस नहीं होता चाहे कलील मिकदार में ही क्यों ना हो। यानी कुर से कम मिकदार में हो तो भी ये नजिस नहीं होगा अगर इसका रंग कलर स्मेल एंड टेस्ट नजासत का कलर स्मेल और टेस्ट अगर चेंज नहीं हुआ है तो ये पानी नजिस नहीं होगा। अब ये एक जनरल मसला था जिसको बयान किया। अब मसला नंबर 39 किस पानी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं मसला नंबर 39 में ये बयान करते हैं कि एक पानी जारी है जारी पानी है। बाज औकात साइड में एक पौंड सा एक पूल स्टिल पानी जमा हो जाता है स्टिल पानी जमा हो गया यानी एक पानी जमा हो गया कि जो स्टिल है जारी नहीं है। हो आगे खुई के लिहाज से ये जो स्टिल पानी है रुका हुआ पानी ये भी जारी ही के हुक्म में है। लिहाजा जारी की जो एडवांटेजेस हैं खुब अगर मैं कोई इसका सवाल पूछूं कि जारी का क्या एडवांटेज है तो एक एडवांटेज ये है जारी का
कि अगर इसमें नजासत गिर जाए, चाहे पानी कुर से कम हो, और रंग बू और जायका तब्दील ना हुआ हो, तो पानी नजिस नहीं होगा। ये जारी का एक एडवांटेज, ये जारी का एक एडवांटेज जो आपकी खिदमत में बयान किया मैंने। इसके अलावा जारी के कुछ और एडवांटेजेस हैं, ये कहाँ आएंगे? ये आएंगे मुताहिरात में। शायद मुमकिन है यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर तो शायद इतना नहीं बयान करें, लेकिन मुताहिरात में, जो मुताहिरात एक चैप्टर है, मुताहिरात में इसकी तफसील आएगी कि कलील पानी, कोर पानी और जारी पानी, इन तीनों पानी के दरमियान जो डिफरेंस है, जो इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस, या जो इनकी क्वालिटीज हैं, वो वहाँ पर मुताहिरात में डिस्कस करेंगे। हो बस आगा सीस्तानी क्या कहते हैं, आगा सीस्तानी आगा खोई क्या कहते थे, आगा खोई कहते हैं कि अगर एक जारी पानी से अटैच एक पानी जमा हुआ है, जो पानी जारी नहीं है, रुका हुआ है, लेकिन जारी पानी उससे अटैच है, जारी पानी उससे अटैच है, सही बात हो गया ना, कि एक ये पानी, ये नहर जा रही है, ये नहर जा रही है, इस नहर के कोने पर बाजों का होता है एक खोल सा बन जाता है जमीन पे, वहां पे पानी आकर रुक गया, अब वो बह नहीं रहा है, ये जो साइड में बह रहा है ये रुका हुआ है, अगर कोई के लिहाज से ये रुका हुआ पानी जारी के हुक्म में है, क्यों? इसे कहते हैं ये जारी से कनेक्टेड है, लिहाजा जारी के हुक्म में है। तो क्या, क्योंकि जारी से कनेक्टेड है लिहाजा जारी के हुक्म में है, लेकिन आगे सिस्तानी कहते कि नहीं, ये जारी के हुक्म में नहीं है, लिहाजा लिहाजा इस रुके हुए, इस स्टिल पानी, ये रुका हुआ पानी, स्टिल पानी जो फ्लो के साथ नहीं बह रहा है, ये स्टिल पानी जारी के हुक्म में नहीं है, लिहाजा अगर जारी के हुक्म में नहीं है तो क्या समझेंगे? खूब अगर कुर के बराबर है ये प्लस वो जो पानी जारी है, सारा टोटल मिलाकर कुर के बराबर है तो कुर के अहकाम जारी होंगे, लेकिन अगर सारा का सारा अगर मिल मिलाकर अगर कुर के बराबर ना हो, कलील के बराबर है, कुर के बराबर ना हो बल्कि कलील के बराबर है, लिहाजा आगे सिस्तानी कहते हैं अगर इसमें नजासत गिर गई, सुई की नोक के बराबर भी अगर नजासत स्टिल पानी में, हाँ जो पानी देखें, एक पानी जारी बह रहा है, एक यहाँ पे स्टिल उसी से अटैच में है, तो नजासत एक दफा स्टिल पानी में गिरती है, एक दफा जारी पानी में गिर रही है, तो जारी पानी में आगे सिस्तानी कहते हैं अगर नजासत गिर जाए और रंग बू और जायका तब्दील ना हो तो नजिस नहीं होगा, लेकिन इस स्टिल पानी में अगर नजासत गिर गई और ये प्लस जारी अगर कलील पानी है और रंग बोल जाएगा तब्दील ना भी हुआ हो तो भी पानी नजीस हो जाएगा, ये स्टिल पानी, आगे हो गया खूब। लेकिन अगर चीजा नहीं कहते, अगर कोई कहते कि नहीं, क्योंकि ये जारी से अटैच है लिहाजा जारी ही के हुक्म में चलेगा, और जारी के हुक्म में चलेगा यानी क्या मतलब, यानी जारी की जो एडवांटेजेस है, जैसे एक एग्जाम्पल ये कि अगर सुई की नोक के बराबर अगर नजासत गिर जाए, नजासत गिर गई और रंग बोल जाएगा तब्दील नहीं भी हुआ, रंग बोल जाएगा तब्दील नहीं भी हुआ, तो आगे सिस्तानी कहते हैं कि अगर कलील पानी है नजिस जाएगा, सही वादे हो गया खूब। बस ये एक एडवांटेज है। एक और एडवांटेज चलें यहीं पे बता देता हूं मैं, आगे सिस्तानी के लिहाज से एक एडवांटेज, आखिरी के लिहाज से ये एडवांटेज नहीं बनेगा, लेकिन आगे सिस्तानी के लिहाज से एक एडवांटेज, तवज्जो करें कि मिसाल के तौर तो ये पानी जारी है, यहां पे उसी के अटैच में एक स्टिल पानी है, अब एक बर्तन को पाक करना है,
آغای سیستانی کہتے ہیں کہ مطاہرات میں بیان کریں گے کہ اگر پانی برتن کو اندر والے حصے کو اگر پاک کرنا ہو, برتن کے اندر والے حصے کو پاک کرنا ہو تو کور پانی سے احتیاط واجب کی بنا پر تھری ٹائمز ضروری ہے. لیکن جاری پانی میں ون ٹائم انف. خب اب آپ ایک برتن لے کر آئے, یہاں پر ایک رکا ہوا پانی ہے اسی سے کے ساتھ ایک جاری پانی ہے. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ جاری پانی میں پاک کریں گے تو ون ٹائم از انف, لیکن اس اسٹل پانی میں, رکے ہوئے پانی میں اگر دھوئیں گے تو احتیاط واجب ہے کہ اگر وہ کور کے برابر ہے تو تین دفعہ آپ کو پاک کرنا پڑے گا. یہ اس کی ایک ایگزامپل. صحیح. اب ایک ایگزامپل آگے خوئی کے لحاظ سے دے دوں. آگے خوئی کیا کہتے ہیں؟ آگے خوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی لباس کو یا کوئی بھی چیز کہ جو پانی اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے, اگر کور پانی سے دھویا جائے تو اس کو نچوڑنا ہوگا اگر کور پانی سے دھویا جائے. آگے سیستانی کہتے ہیں نہیں, ضرورت ہے. آخوئی کا فتویٰ ہے کہ نچوڑنا ضروری, اس کو کرنا ضروری اگر کور پانی سے دھویا جائے, لیکن اگر جاری پانی سے دھویا جائے تو اس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب اب دیکھیں, اب آگے خوئی کے لحاظ سے وہ جاری پانی بھی جاری کے حکم میں ہے, وہ جاری کے ساتھ جو اٹیچ ایک پونڈ سا بنا ہوا ہے, اسٹل پانی, رکا ہوا پانی جو اس سے اٹیچ ہے, یہ بھی جاری کے حکم میں. لہذا آگے خوئی کے لحاظ سے اگر اس پانی میں اگر آپ نے ڈبو دیا تو آپ کو دوبارہ نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا ٹائم, ہاؤ مچ ٹائم اس کو پاک کرنا ہے, وہ انشاءاللہ متاہرات میں پڑھیں گے. وہ ہم متاہرات میں پڑھیں گے کہ کتنی مرتبہ کس کو کتنی دفعہ دھونا ہے, وہ انشاءاللہ وہاں پر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بس توجہ ہوگی, یہ واضح ہو گیا یہ مسئلہ. مسئلہ نمبر 39 کا اگر آپ کو سب ہیڈنگ لگانی ہے تو وہ اسٹل پانی کے جو جاری پانی کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا حکم ہے. آگے خوئی کے لحاظ سے جاری کے حکم میں ہے, آگے سیستانی کے لحاظ سے جاری کے حکم میں نہیں ہے. خوب مسئلہ نمبر 40 ہوگی. مسئلہ کیا ہے؟ اچھا یہ مسئلہ توجہ کریں, یہ مسئلہ جاری میں بھی اپلیکیبل ہے اور کور میں بھی اپلیکیبل ہے. انہوں نے یہ مسئلے کو جاری میں بیان کیا ہے, لیکن جاری میں بھی اپلیکیبل ہے, کور میں بھی اپلیکیبل ہے, اور اس کے حساب سے جو وہ مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات توجہ کریں, ممکن ہے آپ یہ کہیں یہ مسئلہ نمبر 40 ممکن آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے اتنے کام کا نہیں ہے. نہیں, مسئلے کی اصل اور رول کو سمجھنا ضروری ہے, پھر آپ کو ممکن ہے ٹوائلٹ میں بھی کام آئے, واش روم میں بھی کام آئے, باتھ روم میں بھی کام آئے, ہر جگہ کام آ سکتا ہے اگر آپ نے اس کے رولز کو سمجھ لیے. خوب اب یہ تو میں نے ایک جنرل سی بات کہی. مسئلہ نمبر 4040 یہ ہے کہ
मिसाल के तौर पर ये नहर है, ये जारी पानी है। अब आप इसको जारी पानी बना दें या आप इसको कुर पानी बना दें, ये हौज बना दें, ये हौज, ये पानी का हौज हो गया या जारी पानी हो गया, सही। अगर ये मसला नंबर 40 में जारी पानी के हिसाब से डिस्कस किया है, हम इसको एडवांस बनाकर जो कुर पानी को भी इसको बयान कर देते हैं। पहले हम जारी पानी को बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जारी पानी है, यहां से पानी उबला मेरे राइट हैंड से और ये पानी नहर जा रही है राइट हैंड की तरफ, सही हो। अब इसमें हमने पहले क्या पढ़ा कि अगर इसमें कोई नजासत गिर जाए और ऐन नजासत की वजह से पानी में रंग बू और जायका तब्दील हो गया, तो क्या बयान किया इन्होंने, इन्होंने बयान किया कि वो जारी पानी नजिस हो जाएगा। अब सवाल, अब ये जारी पानी नजिस हो गया, कितना नजिस हुआ, कौन सी जगह नजिस हो गई, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बस इसको आप देखें, ये एक जारी पानी है, सही, एक जारी पानी है, मेरे राइट हैंड से पानी उबल रहा है और राइट से लेफ्ट की तरफ जारी पानी जारी हो रहा है, इसके सेंटर में नजासत गिरी, सही, इसके सेंटर में नजासत गिरी और पूरा सेंटर का रंग बू और जायका तब्दील हो गया। देखें, ये मैंने सेंटर बनाया, मेरे राइट से नहर जारी हो रही है, लेफ्ट पे नहर बह रही है और ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर में नजासत गिरी और सेंटर का पूरा, ये पूरा, ये पूरा सेंटर रंग बोल जाएगा तब्दील हो गया, इस तरह के दोनों पानी के दरमियान कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, रापता डिस्कनेक्ट हो गया, सही। इस तरीके से पूरी नजासत गिरी, ये पूरा पानी बीच का नजिस हो गया क्योंकि रंग बोल जाएगा तब्दील हो गया, ये बीच का पूरा नजिस हो गया। अब सवाल कि क्या रूल होगा, क्या हुक्म होगा मेरे राइट हैंड वाले पानी का और मेरे लेफ्ट हैंड वाले पानी का। हो, कहते हैं कि राइट हैंड वाला पानी, क्योंकि जब तस्वीर होगी तो बात वाजे होगी कि मेरे राइट हैंड वाला पानी जो सोर्स से अटैच है, क्योंकि सोर्स मेरे राइट हैंड पर था, सोर्स से अटैच है, तो ये पानी नजिस नहीं होगा, चाहे कलील हो, चाहे कलील हो, चाहे कुर हो, क्योंकि इसका रंग और जायका तब्दील नहीं हुआ है, सोर्स से अटैच है, लिहाजा जारी के हुक्म में पानी नजिस नहीं होगा। लेकिन मेरा ये लेफ्ट हैंड वाली जगह और पूरा लेफ्ट हैंड का पूरा जो कि वो रंग बोल जाकर चेंज हो गया है, ये लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन ये जारी से अटैच में नहीं है, क्योंकि जारी ये वाला था, यहां ये सोर्स से अटैच में है, बीच में तो पूरा समझे दीवार की तरह नजासत आ गई है, दीवार की तरह नजासत आ गई है, लिहाजा मेरा लेफ्ट वाली पानी की साइड मेरे राइट वाले पानी के साथ कनेक्शन कनेक्टेड नहीं है, अगरचे कनेक्टेड है लेकिन वो नजासत एक दीवार की तरह बन गई, सही। तो मेरा राइट हैंड तो क्योंकि सोर्स से कनेक्टेड था लिहाजा वो पाक है, लेफ्ट वाला अगर सोर्स से, अगर नहीं, सोर्स से तो कनेक्टेड नहीं है क्योंकि हमारा सपोजिशन ये है कि पूरा का पूरा जो चेंजेस हो गई, कहीं से भी कनेक्शन नहीं है, राइट और लेफ्ट का कहीं से भी कनेक्शन नहीं है, न राइट से, यानी राइट के राइट से, न राइट के लेफ्ट से, न राइट के नीचे से, न राइट के ऊपर से, पूरा रंग बोल जाकर तब्दील हो गया, पूरा रंग बोल जाकर तब्दील हो गया। अब लेफ्ट वाला पानी अगर कुर के बराबर है तो कुर पाक है, क्योंकि खुद कुर के बराबर है,
और फिर अगर नजीस से टच हो जाए, रंग बोल जाएगा, तब्दील ना हो तो पाक रहेगा। और अगर कलील है वो पानी, लेफ्ट वाला पानी अगर कलील है तो क्योंकि कलील पानी जैसे ही नजासत से टच होगा, चाहे उसमें स्मेल, टेस्ट और कलर चेंज ना भी हो, नजिस हो जाएगा। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला पानी, लेफ्ट साइड वाला पानी नजासत से, चूंकि ये नजिस की नजिस दीवार एक है, ये नजासत की एक दीवार है, ये चूंकि उससे अटैच है और कलील है, लिहाजा नजिस हो जाएगा। अब ये आपने मुलाहिजा फरमाया मसला नंबर 40 को आपकी खिदमत में बयान किया। अब हम अपनी तरफ से इस मसले को इम्प्लीमेंट करते हैं कुर पानी के हिसाब से, क्योंकि इसमें तो जारी पानी का मसला था, लिहाजा एक ये पूल, ये वाटर पूल, स्विमिंग पूल, सही है, ये एक पूल है, इसको हम सपोज करते हैं। जारी पानी को अब हम एक कुर पानी सपोज करते हैं, नजासत गिरी बीच में। अब पूल जाहिर है बहुत, अब जरूरी नहीं कि आप पूल ही को सपोज करें, एक कुर पानी है, मिसाल के तौर पर एक बर्तन है, पूरे कुर के बराबर है, एक कुर के बराबर है, इसमें अगर नजासत गिर गई और रंग बोल जायका तब्दील हो गया तो कुर पानी का 99% कलर, स्मेल और टेस्ट चेंज नहीं हुआ, 1% चेंज हो गया तो 99% पूरा कुर तो नहीं हुआ, 100% तो नहीं हुआ, लिहाजा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये नजिस हो जाएगा, सही। ये तो एक कुर की मिसाल है। अगर एक वाटर पूल है जो 10 कुर के बराबर है, 20 कुर के बराबर है, उसमें नजासत गिर गई, तो हम इसी तरह जिस तरह जारी पानी को हमने डिस्क्राइब किया, इसी तरह कुर पानी में भी, कि अगर कुर पानी में अगर नजासत गिर गई, मतलब 10 कुर था, उसमें बीच में 2 कुर के बराबर एक नजासत का रंग बोल जाएगा तब्दील हो गया, इस तरह के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अब सवाल कि जो बाकी पानी अनचेंज्ड जो बाकी पानी है वो पाक है या नजिस। सिंपल रूल, अगर कलील के बराबर है तो नजिस, कुर के बराबर है, अनचेंज्ड वाला कुर के बराबर है तो पाक, वाजे है ये मसला इंशाल्लाह। अब ये मसला नंबर 40 में नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये मसला जो है वो ऑटोमेटिक इस मसले से वाजे और हल हो जाता है। मसला नंबर 41 हो, फरमाते हैं कि अगर कोई जारी पानी, एक पानी जारी है, जमीन पर बह रहा है, आपको नहीं मालूम, कि आया इसका कोई सोर्स है या नहीं है, आपको नहीं मालूम, तो यहां पर आगे खुई और आगे सीस्तानी दोनों ये फरमाते हैं कि ये पानी जारी के हुक्म में नहीं है, क्योंकि जारी के लिए जरूरी ये था कि कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जहां सोर से वो बह रहा हो, जारी हो रहा हो, सही ना, और आपको नहीं मालूम क्या इसका कोई सोर्स है या नहीं, लिहाजा डाउट की सूरत में उस पानी को जारी नहीं समझेंगे। तो क्या आपने जारी नहीं समझेंगे, यानी क्या मतलब, यानी जारी के रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो मैंने मसला नंबर 39 में बाज रूल्स की तरफ मैंने इशारा किया था, वो जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे ऐसे पानी के ऊपर, कि जो जारी तो है लेकिन ये डाउट है, ये शक है कि आया इसका कोई सोर्स है या सोर्स नहीं है, तो यहां पर जो वो जारी पानी के हुक्म में नहीं होगा,
फिर किस पानी के हुक्म में होगा? अगर कुर है तो कुर के बराबर, कलील है तो कलील के बराबर, कलील का हुक्म चलेगा। अगर कुर है तो कुर का हुक्म चलेगा, कलील है तो कलील का हुक्म चलेगा। मगर ये कि अब ये मसला आगे सिस्तानी ने बयान किया है, आफ़ी ने बयान नहीं किया है, लेकिन आफ़ी के नजदीक भी रूल यही चलेगा, आफ़ी के नजदीक भी रूल यही है। क्या है जो आगे सिस्तानी ने बयान किया? आगे सिस्तानी ने कहा कि आपको पहले मालूम था कि इसका एक सोर्स था, लेकिन आज हमको डाउट है कि इसका सोर्स अब भी मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो फिर आगे सिस्तानी कहते हैं कि वो जारी पानी के हुक्म में ही रहेगा। अगर पहले यकीन था, अब डाउट है, तो अब भी वो जारी पानी के हुक्म में रहेगा। अगर आगे खुई ने अपनी मिनहाज में इस सपोज को डिस्कस नहीं किया, इस सपोजिशन को डिस्कस नहीं किया है, इस फर्ज को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन रूल जो है वो आगे खुई और आगे सिस्तानी का इसमें सेम ही रहेगा। देखिए हमने कितने पानी पढ़ लिए, हमने कलील पानी पढ़ लिया, कुर पानी पढ़ लिया, जारी पानी पढ़ लिया, सही। अब है बारिश का पानी, अब है बारिश का पानी। बारिश का पानी, बारिश का पानी, रेनिंग वाटर, हो बारिश के पानी में, बारिश का पानी भी माउल मोतसिम कहलाता है। पहले हमने माउल मोतसिम को डिफाइन किया था कि माउल मोतसिम किसको कहते हैं। माउल मोतसिम मासूम पानी, आसान लिखते उसी तरह है, मासूम को मासूम लिखते हैं, और पानी को अगर मासूम लिखना हो तो मोतसिम, मीम ऐन ते स्वाद मीम, मोतसिम यानी जिस तरह आईमाई अथार मुस्लिम जो मासूम हैं वो गुनाहों से आलूदा नहीं होते, बुराइयों से आलूदा नहीं होते, ये कुर पानी भी माउल मोतसिम, बारिश पानी भी माउल मोतसिम, जारी पानी भी माउल मोतसिम है, यानी नजासत से आलूदा नहीं होते हैं। लेकिन लेकिन जो है वो उस शर्त के साथ कि जब तक उसमें रंग बू और जायका तब्दील ना हो, कि इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। हो खूब तवज्जो करें इस मसले को। खूब यहां तक तो हमने एक नॉर्मल फिलहाल हमने डिस्कस किया है, अभी मजीद इसके इस सिलसिले में मसाइल बयान करेंगे कि बारिश, जब बारिश बह रही है, जब बारिश हो रही है, रेनिंग हो रही है, तो अब फॉर एग्जांपल एक रोड पर पानी जमा हो गया, रोड पर पानी जमा हो गया, बारिश हो रही है और रोड पर पानी जमा हो गया, तो अब ये जो पानी जमा हुआ है ये भी बारिश के ही हुक्म में है, ये भी बारिश है, ये भी बारिश के ही हुक्म में है। लिहाजा अगर मिसाल के तौर जैसे अगर इसमें कोई नजासत अगर गिर जाए, तो जब तक बारिश हो रही है, ये याद रहे, बारिश का कंटिन्यूटी के साथ होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर ये एक जमीन में गड़ा है, जमीन में एक होल है, पानी यहां पे जमा हो गया, बारिश खत्म हो गई। अब लोगों से, लोग आपसे पूछें कि ये पानी कहां से आया, तो आप क्या कहेंगे, बारिश का पानी है, ये बारिश का पानी था, अब बारिश का पानी नहीं है।
जब तक बारिश हो रही हो तो बारिश के हुक्म में है, तो वो बारिश का पानी है। लिहाजा ये जो गढ़ा है, ये जो होल है जमीन पे जहां पे पानी जमा हो गया बारिश का, अगर बारिश हो रही है इसमें नजासत गिर गई और रंग बू और जायका तब्दील नहीं हुआ, तो ये पानी चाहे छोटा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है, नजिस नहीं होगा क्योंकि बारिश हो रही है। इसलिए कौन सा पानी है, माउल मुअतसिम, मासूम पानी है ये। हाँ अगर बारिश रुक गई और नजासत इसमें है या इसमें नजासत गिरती है तो चूंकि कलील पानी है लिहाजा नजिस हो जाएगा। सही हो, अब तवज्जो करें, यहां पे एक टेक्निकली एक मसला डिस्कस किया है, यहां पर उसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहां तक तो ये बात वाजे हो गई। अब यहां पर तवज्जो करें, क्योंकि बारिश के पानी के अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे एक एडवांटेज आगे खुई के लिहाज से वो ये कि बारिश के पानी में स्क्वीज करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह जारी पानी में स्क्वीज और निचोड़ने की जरूरत नहीं थी, आगे खुई के लिहाज से बारिश में भी जरूरत नहीं है। सही हो, अब मिसाल के तौर पर बारिश हो रही है। सही, अच्छा बाज़ वक़्त आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश हो रही है लेकिन बारिश हुई उसके ड्रॉप कहीं और उड़ रहे हैं, उसके कहीं और ड्रॉप्स जा रहे हैं, तो आगे हुई ने तो कहा कि वो ड्रॉप्स बारिश के हुक्म में नहीं है क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया बारिश से, वो ड्रॉप बारिश से डिस्कनेक्ट हो गया, अब वो कलील पानी के हुक्म में है। लिहाजा मिसाल के तौर पर यहां पे बारिश हो रही है और यहां के जमीन पर कतरे गिरकर उड़ उड़ कर मिसाल के तौर पर एक नजिस कपड़े के ऊपर जा रहे हैं, वो पानी, वो नजिस कपड़ा नजिस है और पाक नहीं होगा। अगर वाकई अगर धूल भी गया तो कम से कम निचोड़ने की जरूरत रहेगी। आगे चीतानी यहां पर एक एक दिक्कत के साथ इस मसले को डिस्कस करते हैं। आगे चीतानी कहते हैं कि ड्रॉपिंग कतरे कतरे टू टाइप्स, दो तरीके से होते हैं। एक दफा ये जो कतरा कतरा गिर रहा है वो ओरफन ऐसा है, जैसे मिसाल दूं मैं आपको, मिसाल के तौर पर छत पर बारिश हो रही है, सही, और प्रणाली के जरिए से पाइप के थ्रू पानी जमीन पर गिर रहा है। आगे खुई भी, आगे सीस्तानी भी और सारे मुश्तैद ये कहते हैं कि पाइप के थ्रू जो पानी आ रहा है और रेनिंग कंटिन्यू है, ये जो पानी गिर रहा है ये बारिश के हुक्म में है। इसको आखोई भी कहते हैं, आखोई भी कहते हैं, कहते हैं ये दर हकीकत ये बारिश का पानी का कंटिन्यूशन है, बारिश के पानी का इत्तेसाल है ये। सही, तो ये आखोई भी कहते हैं, आगे सीस्तानी भी कहते हैं। आगे सीस्तानी एक और पॉइंट कहते हैं कि बाज औकात क्या होता है, बाज औकात जो ड्रॉपिंग होती है उनकी टू टाइप्स है, दो किस्में हैं। एक दफा वो जो ड्रॉपिंग है वो प्रणाली की तरह है, प्रणाली की तरह है, वो कहां पर होता है, उर्फ के लिहाज से, उर्फ के लिहाज से ये बारिश ही बह रही है, ये बारिश है। वो कहां पर है, जब आमतौर पर लीव पत्तों के ऊपर, पत्तों के ऊपर पानी गिरता है और उससे जो पानी गिर रहा है तो ये प्रणाली की तरह ही है, लिहाजा ये बारिश के हुक्म में है। लेकिन एक दफा बारिश गिर रही है जमीन के ऊपर और जमीन से ड्रॉपिंग कतरे उड़ उड़ कर गिर रहे हैं, ये दो चीजें हो गई।
एक दफा पत्ते के ऊपर गिर रहा है और पत्ते से बह रहा है, अगर जो बह रहा है कतरे कतरे की शक्ल में बह रहा है, प्रणाली की तरह नहीं बह रहा है, तो भी आंखों के लिहाज से तो जो उनकी जाहिर इबारत है कि अगर ड्रॉपिंग है तो दोनों टाइप्स, चाहे पत्ते की तरह हो, चाहे पत्ते के ऊपर पानी गिर रहा है और उससे गिर रहा है, कि ये क्या है, ये अगर सिस्तानी कहते कि ओरफन ये कहा जाएगा कि ये प्रणाली की तरह गिर रहा है, ये बारिश का पानी बह रहा है, यानी आगे सिस्तानी तवज्जो करें, आगे सिस्तानी यूं कहते हैं, एक दफा बारिश का पानी बह रहा है, एक दफा बारिश का पानी टपक टपक कर कहीं जा रहा है। अगर टपक टपक कर जा रहा है तो बारिश के हुक्म में नहीं है, अगर बह रहा है उसी के साथ कंटिन्यूटी शुमार की जा रही है उर्फ में, तो वो बारिश के हुक्म में है। लिहाजा आगे सिस्तानी कहते हैं कि अगर ये दोनों ड्रॉप ड्रॉप की शक्ल में है, अगर पत्ते के ऊपर पानी गिर रहा है और उससे ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा है, तो ये किसकी तरह है, इस बारिश के हुक्म में है। लेकिन अगर जमीन पर गिर रहा है और उड़कर दूसरी जगह जा रहा है, गिर रहा है उड़कर दूसरी जगह जा रहा है, तो ये जो है वो बारिश के हुक्म में नहीं होगा और फिर बारिश के अहकाम उसके ऊपर जो है वो लागू नहीं होंगे। खूब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मसला वाजे हो गया होगा, और चूंकि आज हमारी पहली क्लास थी लिहाजा जो है वो हम थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं, लिहाजा आज की हद तक जो है वो इतना ही सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी का इसी मौजू से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। आज हमने मसला नंबर 40, 41 और 42, ये तीन मसले हमने पढ़े आज, 40, 41 और 42। इंशाल्लाह अगले सैटरडे को इसी टाइम पे इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मसला नंबर 43 पानी के अहकाम। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम खुदा हाफिज करें। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि खुदावंदा बेहद के मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे इल्म में इजाफा फरमा। खुदाया बेहद के मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें उलूम में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को हासिल करने की तौफीक अदा फरमा, उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम अक्र जमान सलामुल्लाह अलैह के जहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अनसार में करार फरमा, हमें ऐसा बना दे कि वो हमसे राजी हो, खुशनुद हो जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।